नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रात के 9 बज चुके हैं, वक्त भारत एट 9 के स्पेशल एडिशन का। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध पर। ये जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, इसका असर भारत तक देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि भारतीय सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां फंसे भारतीय छात्रों को कैसे भी कर सकुशल वतन वापसी करवाई जाए। आज 5वां दिन है और ये जो महासंग्राम है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और आपके लिए बता दूं कि आज रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत भी हुई है। ऐसे में यूक्रेन अलग दावे कर रहा है और रूस अलग दावे कर रहा है। पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं ज़ेलेंस्की भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो भारतीय छात्र हैं काफी ज्यादा संख्या में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, जिनसे बातचीत करने की कोशिश लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया कर रहा है। इससे पहले भी हमने कीव में फंसे कुछ छात्रों से बातचीत की थी, उनके परिजन यहाँ परेशान हैं, लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है और ऐसे में फैसला लिया गया है कि जो 4 मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे और ऑपरेशन गंगा के तहत सभी छात्रों की वतन वापसी होगी, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने छात्रों से बात करने की कोशिश की थी, छात्रों ने बताया था कि वहां पर उनके हालात बहुत बुरे हैं, स्थिति भयावह है। वो लगातार जहां रुके हुए हैं वहां पर बम फटने की जो आवाजें हैं वो सुनाई देती हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि वहां पर इंडियन एम्बेसी की तरफ से उन्हें कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है, लेकिन यहां से भारत सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां से छात्रों को वापस लाया जाए। इसके अलावा 5 विमान जो हैं वो वापस आ चुके हैं छात्रों को लेकर, अलग अलग इलाकों के छात्र बताए जा रहे हैं, लेकिन अब भी हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में छात्र वहां परेशान हैं और ये महासंग्राम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आज भारत एट 9 में तमाम बच्चे यूक्रेन से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे। कैसे हालात है, वो किस तरह से अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं ये बताएंगे। इसके अलावा वो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि वापस आ चुके हैं, जिनकी वतन वापसी हो चुकी है। ऐसे में कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी देखिए। इसके अलावा जो छात्र हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जावेद हुसैन हैं, सना खान हैं, शाहिदा हैं, ये हमारे साथ सीधे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जावेद, आप कहाँ हैं यूक्रेन में इस वक्त? जावेद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जावेद, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, यूक्रेन के कौन से इलाके में? जी, मैं यूक्रेन की खार्किव सिटी में हूँ अभी जी, और यहाँ हैवी शेलिंग चल रही है अभी। बिल्कुल जावेद, देखिए यहाँ से सरकार कह रही है कि हम कोशिश करें कि सभी जो छात्र हैं उनको वापस लाया जाए। ऐसे में आज एक बैठक भी हुई है केंद्र सरकार द्वारा, और जो 4 मंत्री हैं केंद्र सरकार के वो अलग अलग इलाकों के, यानी कि यूक्रेन से बाहर जो देश हैं उनके अलग अलग इलाकों में जाएंगे और ऑपरेशन गंगा के तहत आप सभी लोगों को वहां से वापस लाने की कोशिश रहेगी। ऐसे में सबसे पहले जावेद ये जानूंगी कि हालात कैसे हैं वहां पर और आप लोग उन हालातों के बीच कैसे जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। हालात यहाँ बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं बचा है जी। और खाने का सामान जो 4-5 दिन का लिया हुआ था, जैसा कि आज वार का 5th डेज है, तो खाने का सामान भी खत्म हो चुका है यहाँ। और एटीएम से कैश नहीं निकल पा रहा है, एटीएम में कैश नहीं है, बैंक में कैश नहीं है। जो बच्चे बॉर्डर तक पहुंचे हैं वो सेल्फ अपनी बस करा के गए हैं। इसमें एक बच्चे को $300 तक पे करने पड़ रहे हैं बस के। जावेद, आज जानकारी मिली थी कि यूक्रेन ने जो कर्फ्यू है, जो वीकेंड कर्फ्यू है वो हटा दिया है, इससे क्या कोई मदद मिल सकती है वहां जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं? नहीं नहीं, वीकेंड कर्फ्यू जो है वो सिर्फ कीव में हटाया, जो कैपिटल है यहाँ की, और वो भी कुछ टाइम के लिए। तो वही बच्चे वहां के मूव कर रहे हैं। हम लोग यहाँ खार्किव में, हम लोग यहाँ से मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमसे खार्किव की डिस्टेंस 500 किलोमीटर। जावेद, लगातार जो हमलों की खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, बहुत ही दयनीय है। अगर हम देखते हैं तो हमारी आंखें भी भर आ रही हैं। ऐसे में वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी परेशान हैं, अलग अलग देशों से बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि आप लोग भी अपना भविष्य बनाने के लिए वहाँ पहुंचे हुए थे, MBBS की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में युद्ध की स्थिति हो जाना बहुत ही भयावह स्थिति है। जावेद, आपके पास आऊंगी, सना भी मेरे साथ बनी हुई है। सना, आप कौन से इलाके में मौजूद है इस वक्त यूक्रेन के?
और मैं भी खारकिप से ही हूँ जी। सर किस तरह की परेशानियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कल हमने कीव में जुड़े कुछ बच्चों से बातचीत की थी, उनका कहना था कि इंडियन एम्बेसी से लगातार वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप लोगों को अपने खर्चे पर ही बॉर्डर्स तक जाना होगा और वहां से फिर आपको विमान जो भी एयर इंडिया का लेने आएगा ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपको भी कोई ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं? यस मैम, इस टाइप की बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती रहती है, लेकिन अब हम यहाँ से अगर अपने किराए पे या अपना खर्चा करके भी इतनी दूर डिस्टेंस सोचे भी करने का, तो क्या कोई भी गारंटी नहीं है कि रास्ते में हम पे अटैक हो सकता है या हमें हॉस्टेज बना सकते हैं? कुछ भी नो आइडिया कि हम करें भी तो करें क्या, या फिर वहाँ पहुँचने के लिए अगर हम ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो सेफली पहुँच भी रहे हैं या फिर रास्ते में ही हम यू नो बेटर। बिल्कुल सना, इसके अलावा क्योंकि जावेद बता रहे हैं कि उनके पास खाने पीने की पर्याप्त चीज़ें अब नहीं बची हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है, एटीएम में कैश नहीं बचा है और पैसा नहीं होगा तो आप खाने पीने का सामान भी वहाँ से खरीद नहीं सकते, क्योंकि आज तस्वीरें सामने आई थी जो यूक्रेन के अलग अलग मॉल से अलग अलग इलाकों के, वहाँ पर भारी भीड़ है। यस मैम, यहाँ पे इत्तेफाक अगर यहाँ पे पानी होता तो भी बहुत ज्यादा सुकून होता। नहाने का पानी जो होता है उससे पी के गुजारा कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी स्टराइल नहीं है कहीं से कहीं तक। उम्मीद क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ से कोशिश की जा रही है, आप खबरें देखती होंगी, आप लगातार देख रही होंगी, सरकार कोशिश कर रही है, क्या उम्मीद लग रही है आपकी वतन वापसी की? मैम 5 दिन हो गए अभी तक तो कोई भी उम्मीद नहीं थी, कल तो मेरी उम्मीद भी टूट गई, आज तो पता नहीं क्या ही होने वाला, थोड़ा सा सुकून सा लगा था आज, बट अब देखते हैं बैठक के बाद क्या रहता है क्या नहीं रहता है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि आज हम सुकून से निकल भी पाएंगे। ठीक है सना, आपके पास वापस लौटूंगी। शाहिदा को मेरी आवाज मिल रही है? शाहिदा आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शाहिदा ठीक है? शाहिदा आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ गई। शाहिदा जी मुझे आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है। आप कौन से इलाके में हैं? आप भी खारकीव में हैं? जी नहीं, मैं जावेद की सिस्टर हूँ, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ। जी तो जावेद अभी खारकीव में है, बेहद परेशान है जी, आप लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आप भी खबरें सुबह से देख रही होंगी, विश्वास कितना जता पा रही है? मैम अभी तो कोई ऐसी हालात नहीं बने हैं कि कोई विश्वास हो, अब कुछ आगे हो और हमारे जो बहन भाई हैं वो वहाँ सिक्योर हों, उन्हें कुछ हेल्प मिले तो हम बहुत आभारी रहेंगे भारत सरकार के। इसके अलावा आपने जो यहाँ पर गुहार लगाई है, कहाँ कहाँ गुहार लगाई है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया हो? साइदा अभी तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी भारत सरकार कुछ ना कुछ मजबूत कदम उठाएगी बच्चों को वहां से लाने के लिए और जो वहां हैं वहां पे उनकी मदद करेगी, ऐसा हम सोचते हैं। जावेद से लगातार आपकी बात होती रहती है? जी जावेद से बात होती रहती है और ये बच्चे हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे हैं और अभी से इनको इतना देखना पड़ रहा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और बस यही कह सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार इसमें कुछ ना कुछ करे वहां के बच्चों के लिए। ठीक है शाहिदा, आपकी उम्मीद है और उम्मीद होनी भी चाहिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद भारत सरकार से है, क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ 4 मंत्री जो है भेजने की तैयारी कर ली है अलग अलग इलाकों में, वो वहां से वतन वापसी बच्चों की करवाएंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे देश के हैं, वो सुरक्षित वापस आए वाकई, और कहीं ना कहीं जो लोग वापस आए हैं उनमें खुशी का माहौल है, उनके परिजन बेहद खुश है। फैजान मेरे साथ बने हुए, फैजान वापस आए हैं। फैजान कैसी तस्वीर थी, कैसा दृश्य था और उस मुश्किल घड़ी से वापस वतन वापसी करना, जरा समझाइए, जरा बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? फैजान पहले अनम्यूट करिए। हेलो, तुम मम्मा, फैजान आवाज आ रही है मेरी? फैजान आवाज आ पा रही है? यस मैम। फैजान आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं मेरा नाम मोहम्मद फैजान अशरफ जी, रोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता। मैं इस टाइम अपने घर पहुंच चुका हूं भारत गवर्नमेंट द्वारा। मैं हमारे जो फ्रेंड हमारे कार के और की में पढ़ते हैं वो तो काफी परेशान है, लेकिन उस रोड जो था वो काफी सेफ था हमारा, हमें वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भारत सरकार ने हमें बुलाने के लिए बुलाया, उसका बहुत शुक्रिया।
फैजान आप कब वापस आए? दो दिन पहले या एक दिन पहले या कल ही वापस आए? कल, कल 4 PM। ठीक है, तो वहां से यहाँ आना, वतन वापसी, खुशी तो होगी बहुत ज्यादा, लेकिन जो आपके साथी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं आ पाए हैं, क्या लग रहा है आपको? जो भारत सरकार कोशिश कर रही है, जैसे आप वापस वापसी कर चुके हैं वतन की, वैसे वो लोग भी सकुशल वापस आ जाएंगे, ये उम्मीद है सरकार से? जी मैम, हमारे काफी फ्रेंड जो उजरोड में रहते हैं वो आज आ रहे हैं फ्लाइट से, एयर इंडिया से। और जो हमारा हॉस्टल मैनेजमेंट है उन्होंने हमें बसें करवा कर दी थी हंगरी बॉर्डर तक के लिए। हंगरी बॉर्डर से हमें इंडियन एम्बेसी ने पिकअप करा और वो बूढ़ा पोस्ट एयरपोर्ट तक हमें ले गए और काफी ध्यान रखा, खाना भी खिलाया। ठीक है, यानी फैजान आप हंगरी बॉर्डर से, हंगरी से आपको वहां से भेजा गया और फिर वहां से आप यहां आए हैं। ठीक है फैजान, आपका मैं रुक करूंगी, सना से मैं बात करना चाहूंगी। सना लगातार यूक्रेन में है, खार्किव में ही है। सना देखिए, आज रूस और जो यूक्रेन है उसके बीच बातचीत अभी चल रही है, अभी जो बातचीत का दौर है वो हुआ है। ऐसे में पुतिन भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, जेलेंस्की भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, स्थिति भयावह हो जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी टेंशन ये है कि आप घर आ जाए जैसे तैसे, लेकिन यहाँ पर स्थिति सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्या लग रहा है आपको? जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो स्थिति आप देख रही हैं, जो बातचीत आप सुनते भी होंगी कि यहाँ पर जेलेंस्की ने ये कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, पुतिन ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें नाटो का भी कोई सहयोग नहीं होना चाहिए, पश्चिमी देशों का कोई सहयोग नहीं होना चाहिए, इसको लेकर आप कुछ बोलना चाहें? मैम मैं इस बारे में इतना ज्यादा खास जानती नहीं हूँ, बट हाँ इतना कह सकती हूँ अगर अगर ये लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लें या फिर ये सोचे कुछ दिन बाद अपना ये आराम से अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि यहाँ के सिविलियंस भी मारे जाएंगे। और वो पुतिन तो पता नहीं कौन कौन सी बातें बोलते रहते हैं, कभी एयर स्ट्राइक, कभी परमाणु बम, तो मैम ये ज्यादा न्यूज सुन के हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसी बीच देखिए, अगर आपने कहा कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो भी काफ़ी संख्या में, उनकी भी जान चली गई है, कई सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं दोनों तरफ से, सिविलियंस द्वारा क्या आपकी कोई मदद की जा रही है? क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं जो वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। मैम यहाँ पर हाँ ऐसा है, इधर से उधर जाने के लिए भी, और सारे लोग अगर प्लान कर भी रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इधर से निकल जाएं। और मैम जितना भी इन लोग से हो सकता है वो लोग हमारी भी हेल्प कर रहे हैं, लाइक कोई अगर कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं या शॉप्स खुल रही हैं तो उनके एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये बहुत सही बात। तो आप इस वक्त जहां मौजूद हैं का सामना करना ही पड़ रहा है सना, जहां आप मौजूद हैं वहां पर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्योंकि आवाजें तो लगातार सुनाई दे रही है। हेलो सना, आवाज आ रही है आपकी? बोलिए, मेरी आवाज पहुंच रही है सना? हेलो, तो सना के पास शायद मेरी आवाज नहीं आ पा रही है, जावेद का मैं रुक करूंगी। जावेद देखिए, सना से लगातार मैं पूछने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है सना, जो भी परेशानी है इसे हम जल्द सुलझाएंगे, जावेद का मैं रुक करूंगी। जावेद देखिए, इस युद्ध से हर कोई परिचित है डायरेक्टली, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। कोई भी देश ऐसा है, एक का साथ कोई नहीं दे पा रहा है, लेकिन नाटो संगठन जो है वो साफ तौर पर रूस को ये कह रहा है कि आप इस युद्ध को बंद कर दीजिए वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन पुतिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर जो भी पश्चिमी देश होगा या फिर नाटो से जुड़ा होगा देश, वो अगर हमारे बीच में बोलेगा तो उनके लिए भी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ऐसे में आज बातचीत हुई है लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है, आप भली बात ही समझ रहे होंगे जावेद इस चीज को। जी जी, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन बेस्ट है, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको निकाला जाए। युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, युद्ध में दोनों देशों के नागरिक, कोई भी देश जीते लेकिन नागरिक हमेशा हारते हैं, वो अपने लोगों को खो देते हैं, वो अपनी संपत्ति खो देते हैं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, जिनका मेंटल संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है, -6 डिग्री टेम्परेचर में वंकर में पड़े हुए हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ठंड में, अभी अभी कोविड सिचुएशन भी थी बिल्कुल, और एक एक बंकर में लगभग 200-250 बच्चे पड़े हुए हैं। और जो लोग बॉर्डर पे भी पहुंच गए मैम, उनका बहुत बुरा हाल है, उनकी स्थिति 14-15 घंटे तस्वीरें हमारे पास आ रही है, उनकी स्थिति तो और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा। जावेद आप के जहां आप रह रहे हैं इस वक्त, आप कहां मौजूद हैं, कहां रह रहे हैं आप, बंकर में हैं या कहीं और हैं? मैम मेरा फ्लैट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और इस फ्लैट के जस्ट नीचे ही बंकर है। अगर मैं कोई साउंड सुनता हूँ, थ्रेटनिंग साउंड सुनता हूँ तो मैं जाके नीचे छिप जाता हूँ बंकर में,
और जब लगता है कि नॉर्मल सिचुएशन है घंटे दो घंटे बाद फिर वापस आ जाता हूँ अपने फ्लैट में। जावेद तो आपके यहाँ से जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कोई बॉर्डर नज़दीक हो जहाँ पर जा सके, आपकी कोई उम्मीद है आप पर्सनली जाएं? क्योंकि इंडियन एम्बेसी वहाँ से कितनी दूर है ये भी आप लोगों को जानकारी मिल रही होगी, इंडियन एम्बेसी द्वारा कोई मदद आप तक पहुँचाई जा रही हो, ऐसी कोई जानकारी? नहीं मैम, कोई भी इंडियन एम्बेसी से कोई भी मदद नहीं मिली है। अगर इंडियन एम्बेसी पहले बोल देती कि थ्रेट कॉल है और आप लोगों को निकल जाना चाहिए, एज जैसा कि अमेरिका ने अपने लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग निकल जाओ, सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली है। और इंडिया का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, इनको लग रहा होगा कि ऐसा होने वाला है, ये थ्रेट कॉल करते कि बच्चे वापस अपने वतन आ जाए क्योंकि यहाँ सिचुएशन वर्स से वर्स होने वाली है। लेकिन कोई भी ऐसी एडवाइजरी नहीं दी गई इससे पहले, और अब सिचुएशन जब ज्यादा खराब हो गई निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा जो महायुद्ध है वो दोनों के बीच छिड़ जाएगा, ये भी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि पहले से ही जो इनपुट से वो मिल रहे थे कि युद्ध हो सकता है, लेकिन ये लग रहा था कि स्थिति बातचीत से खत्म हो जाएगी, बातचीत की जब टेबल पर दोनों देश पहुंचेंगे तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन शायद दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं है, तभी स्थिति ऐसी बनी हुई है। इसके अलावा जावेद देखिए, इंडियन एम्बेसी से आपके द्वारा कोई मदद नहीं पहुँच पाई जा रही है, ऐसे में आप लोग खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है कितने दिन और यहाँ पर बिना खाने के सरवाइव कर सकते हैं? क्योंकि खाने पीने की मदद अभी सना बता रही थी कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो उन तक थोड़ी बहुत मदद पहुँचा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे भी नहीं बचे हैं, तो फिर स्थिति और भयंकर हो सकती है। जी मैम बिल्कुल, स्थिति और खराब हो सकती है। और अभी अगर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं निकला, जैसे कि आज बात चल रही है यहाँ के टाइम 3:30 पर रशिया और यूक्रेन के बीच बात का प्रस्ताव रखा गया है बेलारस में, देखो होप्स हो कि कुछ अच्छी चीजें निकल के आए और यहाँ हालात नॉर्मल हो, क्योंकि पीपल्स हमेशा पीस चाहते हैं, कोई भी लड़ना नहीं चाहता। और हम लोगों के पास भी कुछ ऐसी चीज नहीं बची है कि अगर ज्यादा दिन ये चला तो सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो जावेद मैं यही कहूंगी आपसे, देखिए भारत सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और शायद आज शाम तक जो तमाम मंत्री हैं जो चिन्हित किए गए हैं वो अलग अलग इलाकों में पहुंच जाए, आप लोगों की सकुशल वापसी हो जाए, उम्मीद तो यही है। क्योंकि लगातार जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो पुतिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं और पुतिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भारतीय छात्रों को कुछ नहीं होने देंगे, सकुशल उनकी वापसी हो जाएगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं और आपको सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप धैर्य रखिए, उम्मीद रखिए और स्ट्रांग बने रहिए, क्योंकि स्ट्रांग बने रहना बहुत ज़रूरी है और हर भारतीय बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और सना से भी यही कहूँगी, सना मजबूत रहिए, स्ट्रांग रहिए और धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि यहाँ से पूरा ऑपरेशन पूरी तरह से तैयार है, ऑपरेशन गंगा के तहत आप सभी की वापसी होगी। सुरक्षित रहिए, स्ट्रांग रहिए, धैर्य बना के रखिए और उम्मीद बना कर रखिए। और फैजल जो कि हमारे पास वापस लौट चुके हैं, यानी कि वतन वापसी जिनकी हो चुकी है, उनको बस यही कहूंगी कि आप वाकई किस्मत वाले हैं कि आप जल्दी से जल्दी वतन वापसी आपने कर ली, आपका परिवार किस्मत वाला है कि अपने बेटे को उन्होंने इतनी जल्दी देख लिया, वरना जो पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं उनका तो बुरा हाल हो रखा है, लेकिन हम अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की वतन वापसी होगी और यही कामना हम करते हैं। बस यही मैसेज आप लोगों तक कि आप लोग स्ट्रांग बने रहिए और उम्मीद रखिए, जल्द से जल्द आपकी वतन वापसी होगी, सकुशल हर एक भारतीय को वापस लाया जाएगा। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हालात वहां से बताने के लिए। कैसे हालात हैं अभी छात्रों ने बताया है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो बेहद परेशान हैं, कुछ खार्किव में मौजूद हैं, कुछ कीव में मौजूद हैं, लेकिन आज जो बातचीत हुई है उससे नतीजा तो कोई नहीं निकला है, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है, ऐसे में स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन अगर यूं ही युद्ध चलता रहा तो इससे रूस को आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, अर्थव्यवस्था रूस की बहुत खराब हो सकती है, तो ऐसे में उम्मीद है कि रूस बिना किसी शर्त के पीछे हट जाएगा, वरना स्थिति और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आएगी और भारत तक इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आज भारत सरकार के मंत्री सीधे सीधे अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और ऐसे में वो किस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों छात्रों को वापस लेकर आते हैं ये हम देखेंगे। उम्मीद बनी हुई है, छात्रों का डर लेकिन अभी भी बना हुआ है, उन छात्रों को लगातार हम मैसेज दे रहे हैं कि आप स्ट्रांग बने रहिए, धैर्य रखिए, आप लोगों की वतन वापसी होगी, क्योंकि हर एक भारतीय स्ट्रांग है और ऐसी मुसीबतों से
हर एक भारतीय लड़ना जानता है। तो आज भारत एट नाइन में इतना ही, कल फिर लौटेंगे और यूक्रेन के मुद्दे पर ही बात करेंगे, छात्रों से फिर मिलेंगे, फिर छात्रों को हम जोड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब वहाँ की स्थिति कैसी है और वहाँ से जो छात्र आ रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।